people will take more responsibility for their education and not just depending upon college and universities हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर और आपके सामने लाया हूं इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑथर ऑफ और फोर बुक्स टेड स्पीकर हैं जोस्टोक्स स्पीकर हैं लाखों लोग इन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सुन रहे हैं और इनकी नॉलेज से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं डेढ़ सौ से ज्यादा कंट्रीज में इनके स्टूडेंट्स हैं सो प्लीज वेलकम दीपक बजाज जी ऑन आर शो थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू ऑल माई प्लेर वेरी हैप्पीड टू बी बहुत आनंद आ रहा है मुझे आपके साथ यहाँ मिलकर और इस शो में आकर थैंक यू सो मच सो हाउ इट स्टार्टेड किस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई दीपक जी की uh, कैसे ये शेप लिया कि आप लोगों को इंस्पायर करने के फील्ड में आई थिंक जब आपने शुरू किया होगा तो ये इंडस्ट्री भी अपने आप में ऐसी कोई डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं थी सो हाउ इट स्टार्टेड ओरिजिनली देर वज नो प्लान लाइक देर ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये काम करूँगा या तो कई बार मुझे लगता है कि uh, मेरे गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि आपको जहाँ तक दिखाई दे और आपकी जितनी क्षमता हो आप उस क्षमता के साथ वहाँ तक चले जाइए जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगा लवली तो छोटे से गाँव में, में मेरी पढ़ाई हुई हरियाणा में जाटूसाना बोल के गाँव हैं पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट थे मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में थे और गाँव में जैसे सबका टाइम निकलता है वैसे ही हमारा भी टाइम निकल गया और आ, आ, हमारे अंदर ये फीड कर दिया गया कि आ, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं और जिनको अच्छी नौकरी मिलती है वो ज़िंदगी में आ, अच्छे होते हैं बस राइट वही कामयाबी की परिभाषा अगर मैं बोलूँ तो हमें सिखाई गई और अब ऐसा बोलूँ तो कभी कभी हमें लगता था आ, मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब दादा नाना दोनों गवर्नमेंट जॉब चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ फूफा एवरीबडी इन टू गवर्नमेंट जॉब और कहीं हमारा ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव के साथ हरियाणा सरकार का भी कोई रंग है तो वो निकलेगा नहीं <laughs> लेकिन इतना अंदर चला गया था वो तो फिर मैं पढ़ाई में अच्छा था और मैंने एम किया है कैट का एग्ज़ाम क्लियर किया ग्रेजुएशन के बाद फिर एम बी किया मणिपाल से मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में सोलवा सबसे अच्छा कॉलेज है आ, और आ, उस कॉलेज में भी मैं सिर्फ इसी वजह से गया था कि नौकरी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी तो फिर मैं जॉब करने लगा टी मोटर कंपनी में चार साल मैंने वहाँ पर अच्छा काम किया और राइज़ किया एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव आई बिकेम के रीजनल मैनेजर और मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी पच्चीस साल की उम्र में उस कंपनी में रीजनल मैनेजर नहीं बना और चार स्टेट्स में संभालता था चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल जे एंड के क्या बात है जे हाँ और फिर 2007 में एक डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास आ, एक साल भर मुझे लगता रहा ये सब ऐसे ही होता है करने की ज़रूरत नहीं है साल के बाद मैंने फिर इसे शुरू कर लिया और फिर डायरेक्ट सेलिंग में आप सिर्फ लोगों के साथ बात करते हैं मेरी जॉब में मेरे पास में टीम थी हमारे पास एक प्रोडक्ट था डीलर नेटवर्क था एडवर्टीज़मेंट हम किया करते थे अब इस बिज़नेस में मैं आ गया जहाँ सिर्फ लोग हैं और आ, वो लोग भी पार्ट टाइम काम करते हैं तो अगर उन्हें आप इंस्पायर नहीं करेंगे और एम्पावर नहीं करेंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी लाइक ऐसा आप समझिए तो बस फिर मैं एक एक करके रोज़ ये खोजता रहता था कि किस इंसान से किस तरह से बेहतर प्रोडक्टिविटी निकलवाई जा सकती है और उसे किस तरह से हम तैयार करें ताकि वो अपना बेस्ट पोटेंशियल निकाल पाए तो कई सालों तक ये लगातार किया हम लोगों ने नए लोग बिज़नेस में आते थे फिर हम उन्हें समझते थे फिर ए बी सी डी ई एफ अलग अलग तरीक़ों से हम कोशिश करते थे कि किस तरह से इन्हें इंस्पायर किया जाए प्रेरणा दी जाए कि ये ज़िंदगी में बेहतर करें और उस खाली प्रेरणा से होता नहीं है मतलब right. खाली हाँ लोगों को सिर्फ ये बोलते हाँ हम करेंगे हम करेंगे तो फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग्स करने शुरू किए फिर बेसिक ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग दुनिया भर के ट्रेनिंग्स किए तो फिर एक धीरे धीरे ना एक वो आप बोलिए बार बार कर कर के कर कर के और लाखों लोगों के साथ काम कर 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 करके वो एक कैपेबिलिटी आप बोलिए धीरे धीरे डेवलप होने लगी और किसी भी काम में आगे जाना है तो मुझे ऐसे लगता है एक चाहिए कैपेबिलिटी दूसरी चाहिए शायद आपकी नीयत और अगर ये दोनों मिल जाएं तो बात बन जाती है तो लोग तरक्की कर रहे थे लोग कामयाब हो रहे थे उनके साथ साथ हम भी तरक्की कर रहे थे और जब जब उनको कामयाब होते देखते थे तो फिर अंदर से आप ऐसी इंटेंशन होती थी, थी कि यार और किया जाए यार और किया जाए अगर पाँच हज़ार लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना हमारी बात को दस हज़ार लोगों तक पहुंचाया जाए एक लाख तक पहुंचाया जाए फिर लाखों लोगों का नेटवर्क बना और धीरे 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 ये ऐसे लगने लगा कि शायद आ, कुछ लोग मुझे मिलते हैं स्टूडेंट्स जो हमें इंस्टाग्राम पर पूछते हैं हमारी कॉलिंग नहीं समझ आ रही लाइफ का पर्पज़ समझ नहीं आ रहा तो मैं उन सब से भी यही कहूँगा जो मुझे समझ आया कि ज़िंदगी में कुर्सी पे बैठ के कर याचार किताबें समझ के पढ़ के कभी पर्पज़ समझ नहीं आता है कुछ करना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा जब आप निकलते हो ना और काम करने लगते हो और दो तीन चार चीज़ें ट्राई करते हो तो वो लगता है फिर जिसमें सबसे ज़्यादा आनंद आए और जिसमें आपको भी आनंद आ रहा है सामने वाले का काम भी बन रहा है सो देन सडनली नो यू फील इट इट्स मैचिंग और ये काम कर रहा है और इट बिकम्स योर कॉलिंग सो देन आफ्टर दैट स्लोली इट स्टार्टेड बिकमिंग पिछले पाँच सात सालों में इट इस बिकम लाइक कि मैं इसीलिए ही पैदा हुआ यार यही काम करना है अब आखिरी सांस तक लोगों से मिलना है उन्हें इंस्पायर करना है एम्पावर करना है और दोनों तरफ से बात अच्छी बन रही है लवली सो so, एक चीज़ आपने कही कि कई बार जब हम एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं तो एक हमें वायरिंग हमारी जॉब को लेकर के हाँ, करनी हाँ. होती है और राइट right ना आप एक ऑन्टरप्रन्यर की तरह काम कर रहे हैं तो ये जो क्या माइंडसेट आपने देखा कि अगर हम तीन चार ऐसे शिफ्ट अगर समझ सकें कि क्या माइंडसेट में आपने शिफ्ट देखा आपने कि वो जो एक नौकरी वाला माइंडसेट कई बार रहता है या सिक्योरिटी ड्रिवन माइंडसेट से एक फ्रीडम ड्रिवन माइंडसेट एक ग्रोथ ड्रिवन माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस रहते हैं आपके अकॉर्डिंग वही सर साहब पहले मुझे ऐसा लगता था जॉब वाले लोग अलग होते हैं एंटरप्रेन्योर वाले लोग अलग होते हैं दो अलग अलग ब्रीड हैं जैसे वैसा टाइप लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जॉब में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑन्ट्रपेनोरियल सा माइंड होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन्टरप्रेनरशिप के वेंचर्स शुरू करते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं उनके काम चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं शायद उस जॉब वाले का मैंटेलिस होता है जैसे मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो मेरी नानी ने हमें बड़ा किया तो मेरी नानी हमेशा मुझे एक बात बोलती थी जो शायद मैं पच्चीस तीस सालों से या जब से मैंने होश संभाला तब से मैं फॉलो करता हूँ वो बोलती थी कि बेटा जब तू तो नौकरी करने जाएगा तो ऐसे नौकरी करियो जैसे खुद का बिज़नेस करता हो इतनी ओनरशिप और इतनी ईमानदारी और कमिटमेंट से और जब कभी तेरे तो को मौका मिल जाए जिंदगी में हमारे खानदान में किसी ने किया नहीं है लेकिन अगर कभी तुझे ऐसा मौका मिल जाए कि तू अपना बिजनेस करे तो फिर अपना बिजनेस ऐसे करियो जैसे किसी की नौकरी करता हो ईमानदारी से सवेरे से रात वैसे ही रिपोर्टिंग करके तो शायद मुझे पता नहीं आपके सवाल का जवाब इससे मिलेगा कि नहीं लेकिन ये जो पहली जो शिफ्ट है ना वो तो ये है कि ये मेरा काम है आप इसे मान के करें राइट right, ये जो यू नो इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और इफ यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन जॉब ऑल्सो यू नीड टू बिकम अ नो रिमाइंडर पर्सन मतलब मेरे जिम में काम है हम करेंगे इसमें रिमाइंडर क्या होता है मतलब तो लोग हमें पैसे देते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए लेकिन सच बताऊँ तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता है आपको ये काम करना है तो फिर आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होती हाँ मैन वाई यू विल नीड अ मोटिवेशन आपका काम आपकी ज़िंदगी आपके सपने आपका परिवार और पूरा भविष्य आपके पास बड़ा भगवान ने टैलेंट दिया है इसमें मोटिवेशन क्या करेगी आके और नहीं आके मतलब क्यों ना अपना बेस्ट किया जाए सो so, uh, अगर आप मुझे पूछें चाहे आप जॉब करो चाहे आप बिजनेस करो या ऑन्टरप्रेन्योर बनो इन टर्म्स ऑफ माइंड सेट थ्री फोर थिंग्स आर लाइक आई फील आर एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट हाँ नंबर वन इज बिकमिंग ए नो रिमाइंडर पर्सन मतलब

और उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर ये जो एक्स्ट्रा वाली ब्रीड है ना जोगिंदर जी ये रेयर है यार और आप चाहे कोई भी काम करते हो लाइफ में मैंने बिहार में नौकरी करी है झारखंड में जॉब किया है यूपी में मैंने काम किया आप दस दिन काम करो और ये पावर ऑफ एक्स्ट्रा और हंड्रेड परसेंट मेरी जिम्मेवारी ये दो चीज़ें पकड़ लो आप आप अपनी कंपनी के अपने पड़ोस के सबसे फेवरेट इंसान बन जाओगे और अपॉर्चुनिटीज़ यू आएँगी आपकी गोद में चल कर आएँगी तो तीन चार भी नहीं बोलने की जरूरत फिर अगर मुझसे पूछे तो ये दो ये तीन चीजें अगर, अगर, अगर... हम पकड़ लें और तीसरी है देखो आ, जो आपको यहां तक लाया वो आपको वहां तक नहीं ले जाएगा ये मानना पड़ेगा जैसे कामयाबी का हर अगला लेवल अगर आपको अचीव करना है ना तो फिर उसके लिए माइंड आपका स्किल सेट और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टूल सेट तो ये तीन चीजें आपको अपग्रेड करती रहनी है जैसे लोग अपने ड्रीम लिख लेते हैं फिर विजन बोर्ड बनाते हैं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन सब में काम करते हैं लेकिन ये तीन चीज़ों की डेवलपमेंट को पीछे छोड़ देते Mindset, हैं माइंड सेट एंड टूल सेट तो ये तीनों साथ में लगा दो आप तो फिर बात बन जाती है मतलब दिस इज और कोई किसी को जॉब पसंद है तो वो पूरी जिंदगी जॉब कर ले। लेकिन अगर इन तीन चीज़ों के साथ करेगा तो देन दस हज़ार की कंपनी में दैट पर्सन विल बिकम द सी एंड मोस्ट यू नो फ्रेशियस एसेट टू द कंपनी तो पैसे वहाँ भी बहुत मिल जाएंगे और यू नो ग्रोथ वहाँ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और चाहे आप इन तीनों चीज़ों को ऑन्टरप्रेनोरशिप में यूज़ कर लें इसलिए लक का आप क्या रोल मानते हैं इसके अंदर कि जैसा आपने कहा कि एक माइंड डेवलप कर लो स्किल सेट डेवलप कर लो टूल सेट पे भी काम कर लो तो कई बार मैंने देखा है कि जब हम इन चीज़ों पे काम करते हैं तो जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आने लगती है सो डू यू बिलीव दैट वी कैन क्रिएट अवर लक बाय वर्किंग ऑन देम और लक एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट चीज है देखिए कहीं कोई ऐसी चीज है शायद जो आपके और मेरी मेहनत और प्रयासों के ऊपर है जो शायद यूनिवर्सल हाँ उसे कोई अपने गुरु का नाम देगा कोई भगवान बोलेगा कोई कुछ भी बोलेगा राइट तो वो एक चीज है जो शायद दो लोग बराबर भी चलेंगे तो उनमें से शायद एक को शायद कहीं कुछ फर्क मिल सकता है लेकिन आपको क्या हालात मिले और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और क्या क्या चीज़ डेवलप करने का चांस मिला ये शायद आपको लग से हो सकता है लेकिन आपने उनके साथ क्या क्या किया ये तो आपके और मेरे हाथ में ही है ना लवली हाँ तो जो वो कहते भी है ना कई बार कि इन द गेम ऑफ कार्ड्स आपको कौन से कार्ड्स मिलेंगे ये तो चांस की बात है मगर हाउ यू विल प्ले विद देम हमारे yes. ट्रेनिंग में एक बात बोला करते थे हम जी. लोगों को ऐसा बोलते थे कि देखिए परिणाम आए या ना आए ये बात की बात है हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है, क्या बात है? <laughs> like, तो सरल सरल सी बातें यही सब हम सुनते रहे और इन सब ने हम हमें शेप कर दिया और हम ये आगे सिखाते रहे अनफॉर्चुनेटली uh, जब भी हम कुछ चैलेंजिंग करने जाते हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट ज्यादातर सपोर्टिव नहीं होता मोस्टली फुलिंग वाली सिचुएशन रहती है सो वट्स योर टेक ऑन डैट कि हाउ पर्सन शुड रिस्पॉन्ड टू दैट टॉक्सिसटी और नेगेटिविटी हाउ दे केन हैंडल देयर नेगेटिव एन्वामेंट स्पेशली वेन इट इज़ कमिंग फ्राम द क्लोज वंस जो आपके आस पास के लोग होते हैं जब उनसे आता है तो कैसे इंसान अपने आप को प्रोन करे और बचाए इस नेगेटिविटी से uh, देखिए दो चीज़ें हैं मुझे ऐसे लगता है वन इज़ is... आउटसाइड की नेगेटिविटी और सेकेंड होती है हमारी खुद की भी यू नो यू कैन कॉल इट सेल्फ़ टॉक और समथिंग जो आप बोलना नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप बोलना चाहें तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को हैंडल करने के लिए मे बी यू हैव अ मास्टर माइंड कुछ लाइक like माइंडेड लोग हैं दोस्त हैं कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं आप टेक अ ब्रेक और uh, या आप भी अपने ट्रेनिंग्स में लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे राइट right? और जो ये दूसरी बाहर वाली है Uh, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा अंदर का विजन और मैं क्यों ये काम करता हूँ ये वाई क्लियर है फिर मुझे बाहर वाली अफेक्ट करे ऐसे चांस कम होते हैं अधिकांश लोग ना जैसे जब मैं आ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग 11 साल किया है और 5 साल से मैं ट्रेनिंग और कंसल्टिंग में भी हूँ जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग टीम्स और लीडर्स और कंपनीज़ को भी ट्रेन और कंसल्ट करते हैं पहले हमें इंसान आके ये बोलता था कि मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं कि ये काम में ना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है तो फिर मैं उसको जवाब देता रहता था समझाता रहता था फिर वो तीन दिन बाद वापस आ जाता था कि मेरे जिया जी बोल रहे हैं मेरे चाचा बोल रहे हैं ऐसा फिर मैं ना उनसे पूछने लगा वैसे देख तेरे चाचा और जिया जी जो बोल रहे हैं वो तो अलग बात है तुझे क्या लगता है फिर दस में से नौ अंदर में से ये बोलते थे वैसे सर मुझे भी कभी कभी तो लगता है कि वो सही कह रहे हैं तो जिस बात को ना सामने वाला ये आके हमें बोलता है कि मेरे को मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती या मेरी मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही या चारों तरफ के लोग हमें खींच रहे हैं हार्ट इन हार्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको भी खुद पे अपनी काबिलियत पे अपने विजन पे और मैं इसे क्यों कर रहा हूँ इस पर खुद भी डाउट होता है देखिए बीमारी या वायरस हवा में है मान लीजिए चाहे वो कोविड था या कोई भी फ्लू होता है बरसात के सीजन में खांसी जुकाम फ्लू होता है लेकिन ये सबसे ज्यादा पकड़ेगा तो योगेंद्र जी उसी को ना जिसकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी सो so ट्रू राइट एक ही घर yeah, में चार yes. लोग दो को पकड़ लेता है दो को नहीं पकड़ता है तो जो दो अंदर से मजबूत हैं उनको Do, नहीं पकड़ेगा वो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी रखनी पड़ेगी मेंटल इमोशनल इम्यूनिटी रखनी पड़ेगी अब मैं जॉब वाला आदमी हूँ मेरी वाइफ शी शिव अ साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है मैं रीजनल मैनेजर हूँ चार स्टेट देखता हूँ छोटा भाई गुड़गांव में एक यू एस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में कंसल्टेंट है मम्मी टीचर हैं चारों लोगों का काम मस्त चल रहा है किसी ने हमें समझा दिया कि आइए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए राइट जब तक हमें नहीं समझ आई तब तक हमें नहीं समझ आई लेकिन जब हमें ये बात समझ आ गई कि यह काम सही है और मुझे कर लेना चाहिए उसके बाद मुझे आसपास की नेगेटिव पॉजिटिव से उतना फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन फिर भी ऐसा था कि मेरे मैंने

ऐसी कौन सी आफत है यार मतलब दिन में आठ घंटे काम करते हो आठ घंटे सोते हो आठ घंटे और भगवान ने दिए हैं अगर तुम में दम है तो अपनी साइड हसल के लिए चुपचाप ईमानदारी से काम करो जब बड़ा हो जाए तो बता दो अभी दुकान खुली नहीं और तुम पिताजी मम्मी चाचा और सबके सामने ना यूं मतलब अनुमान मन के फिर वो डिक्लेयर कर देते हैं फिर वो बोलते हैं कि सब नेगेटिव है मतलब बोला किसने तेरे को वहाँ जाकर छेड़ने के लिए किसी को तो अपना काम कर सो वाउ हैव कि बिलीफ का कितना बड़ा रोल रहता है लोगों की सफलता के अंदर किसी भी एरिया के अंदर कि भले ही टैलेंट कम हो बिलीफ ज़्यादा हो तो डज इट वर्क हाउ इट वर्कस बिलीफ इज़ अ वेरी पावरफुल रोल टू प्लेट्स जैसे आप समझिए एक्शन इज़ हार्डवेयर एंड बिलीफ इज सॉफ्टवेयर तो एक लैपटॉप है तो आपका बाहर में हार्डवेयर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके एक्शन हैं और जो आपका बिलीफ है वो आपके अंदर वाले सॉफ्टवेयर हैं और दोनों का बराबर रोल है लाइक yes. like, uh, मैं लेकिन ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्हें लगता है कि दे डिज़र्व द बेस्ट दे आर टैलेंट इज़ सुपर एंड ऑल लेकिन सारा दिन बैठ के वो नेटफ्लिक्स पे और रील पे रील रील पे रील, रील इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं और अपने हिस्से का काम ही नहीं करते हैं तो uh, उनका भी कुछ नहीं होगा और जब आप काम करने निकले और आपको हमेशा डाउट ही रहे कि यार ये बनेगा क्या नहीं बनेगा सामने से सेल क्लोज होगी या नहीं होगी ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी तो फिर भी नहीं बनेगा तो ये दोनों का बराबर रोल बिलीफ एंड एक्शन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का देखा होगा कि कई लोगों का जो बिलीफ है ना वो बहुत एक्सटर्नल चीजों पर बेस्ड रहता है जैसे कि सपोज सेल का कॉन्टेक्स्ट हम लें तो एक बंदा सेल करने गया रिजल्ट आ गया तो अभी तीन चार दिन उसका बिलीव सिस्टम सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ऊपर है फिर तीन चार दिन अगर रिजेक्शन <laughs> <rejection> मिल गया <laughs> तो <laughs> फिर वो शायद प्रोडक्ट पे खुद पे सब पे डाउट करने लगेगा बिल्कुल सही बात सो व्हाट इज द राइट वे वट शुड बी योर सोर्स ऑफ बिलीफ इन दोज केसेज शुड बी अटैच योर बिलीफ टू द रिजल्ट और वी शुड अटैच टू द ड्रीम्स And our inner vision, how how the person should navigate this belief. Uh, whatever you are saying, आप, I mean टारगेट था हमारा पैंतीस करोड़ हो गया तो ऐसे लग रहा हम ही मतलब <laughs> अगले दो तीन महीने नंबर नहीं हुए तो फिर डाउट होने लगता है खुद पे प्रोडक्ट पे हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा Uh, मैं सही मैं, फिर ना जो हम सही काम भी कर रहे होते हैं वो भी गलत से लगने लगते हैं और हम हर चीज़ पे फिर सवाल करने से लगते हैं यार मैं ये तो नहीं गलत कर रहा वो तो नहीं गलत कर रहा मेरा एटीट्यूड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो नहीं कम्युनिकेशन में तो नहीं बट देन वी रियलाइज समथिंग दैट द प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व की और मेरे साथ मैंने कई लाखों जो हमारे ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ हमने सॉल्व की सो वी कॉल इट अ सिस्टम कॉल्ड पी डी ए प्राइमरी डेली एक्शन राइट right? तो ये मैंने पहले खुद अपने साथ किया और बाद में मैंने फिर कुछ और लोगों के साथ किया और जब रिज़ल्ट आए तो फिर हमने लाखों लोगों के साथ खूब इसको शेयर किया इस पर ई बुक्स बनाए और बहुत कुछ किया हमने जैसे मेरा जो ये बिलीफ है ये रिज़ल्ट पे बेस्ड है राइट right? क्यों ना इस बिलीफ की परिभाषा को और इसकी मेजरमेंट को किसी ऐसी चीज़ पे मैं शिफ्ट कर दूं जो मेरे कंट्रोल में हो right. रिज़ल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है तो अगर मेरा बिलीव ये है कि मैं अपने आप को अच्छा सेल्समैन तब मानूंगा जब मैं दिन की दो सेल क्लोज कर लूँ ठीक है तो सेल आएगी तो मेरा बिलीफ अप है सेल्स नहीं आई तो मेरा बिलीफ डाउन है तो दस में से दो बार मेरा अप होगा और एट्टी परसेंट डाउन होगा अगर मैं ये मान लूँ अब मैं जो मैं जिस तरीके से मैंने काम किया और मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में और अब लाइफ में कामयाबी मिलनी शुरू हुई मैंने ये सोचना शुरू किया कि दस में से दो अगर सेल्स हो जाए तो मैं उस सेल्समैन को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस मॉडल में अच्छा सेल्स पर्सन मानूंगा दस में से दो सेल्स और मेरे को फिर धीरे धीरे ये भी लगने लगा कि दस मीटिंग करी जाए ना तो कितनी भी खराब मीटिंग हो दो सेल तो हम क्लोज कर ही आएंगे ठीक जनरली मैं एक दिन में तीन से चार अच्छी मीटिंग्स कर सकता हूँ तो दस मीटिंग करने में मुझे तीन दिन अगर मिल जाए तो मैं दस मीटिंग करके आ जाऊँगा तब मैंने मेरे को मेरी सक्सेस को मेरी खूबियों को मेरे टैलेंट को और मेरे बिलीव्स को इस तरह से ट्रेन किया दिन की तीन मीटिंग अगर मैंने कर ली तो फिर मेरे जैसा आदमी नहीं दूसरा कोई और मेरा गोल सिर्फ तीन मीटिंग करना ही है अगर मैंने तीन दिन लगातार ये किया और बीच में एक मीटिंग मैंने जैकपॉट कर ली तो दस मीटिंग हो गई और दो सेल्स आ जाएंगी मेरे पास राइट अब मैं सेल्स के ऊपर मेरे बिलीफ को बेस ही नहीं कर रहा हूँ और मैंने मेरे बिलीफ को उठाकर उस चीज़ पर रख दिया जो मेरे टोटल कंट्रोल में है और अब मैं घर से मेरी वाइफ को ये बोल के निकलता हूँ तीन मीटिंग करने जा रहा हूँ और तीनों मीटिंग के बाद जब मैं लौटता हूँ उन तीनों मीटिंग में क्या हुआ इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक शेर की तरह एक विजेता की तरह वापस आऊँगा और मैंने ये पर्सनली देखा मेरे को जो मेरे को ऐसा लगता था एक सेल पे मिलते हैं पाँच सौ रुपये एक सेल के लिए पाँच मीटिंग करनी पड़ती है तो पर मीटिंग मुझे सौ रुपये मिलेंगे बस तो मैं घर की जब घंटी बजाया करता था ना उन दिनों में 2007 में 8 में 9 में तो जैसे हमने घंटी बजाई हमें लगता था हमारे सौ रुपये बन गए अब तुम हमें घर से बाहर निकालो हम पे कुत्ता छोड़ दो हमारे से नाराज़ हो जाओ हमसे मीटिंग अच्छी हो ना हो तुम हमें पूछो या ना पूछो हमारे तो ये घंटी बजाने के सौ रुपये हैं दिन में तीन घंटियाँ बजानी या तीन मिलते हैं जैसे ही पाँच घंटियाँ पूरी बजा लेंगे हमारा एक सेल हो जाएगी तो पहली सेल आ गई तो मैं अगली चार ना के लिए तैयार हूँ और चार ना मिल गई तो मुझे मालूम है पाँचवीं में तो हाँ हो ही जाएगी तो हमारा अगर हमें लगता है कोई चीज़ इतनी ज़रूरी है कि उस पर हमारा बिलीफ हमारी सेल्फ इस्टीम हमारी आइडेंटिटी ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं और वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये मैं तो फिर मैं मेरी जिंदगी में कामयाबी के लिए कैसे आगे जा सकता हूँ राइट तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने दिया कि इंस्टेड ऑफ़ बेसिंग योर बिलीफ ऑन समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल यू शूड बेसिड ऑन समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल यहाँ पे एक सेल्स uh, की बात हमने की तो जो एक ओवरऑल कंडीशनिंग मैंने भी देखी है कि सेल्स को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारा रजिस्टेंस होता है पीपल हैव रजिस्टेंस राइट सो वॉट डू यू थिंक वाई दिस रजिस्टेंस एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी जनरली किसी भी बिजनेस के अंदर एक सेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है इनफैक्ट वही एक ऐसा पार्ट है जिसमें पैसा अंदर आता है बाकी सब में तो बाहर ही जा रहा होता है yeah. तो बट स्टिल सो मैनी पीपल हैव सम कंडीशनिंग अबाउट सेल्स सो वॉट इज योर टेक ऑन दिस वाई दिस एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी इज इट बिकॉज ऑफ सम फीयर वोट डू यू थिंक सी वी डू वन एक्टिविटी वी डू लाइव इवेंट्स और उसका नाम होता है हाउ वी मैन्युफैक्चर आवर फीयर्स हम खुद अपने डरों को किस तरह से जन्म देते हैं राइट right? तो मुझे ऐसा लगता है आपने मुझसे सेल्स बोला और आप और मैं हम दोनों जैसे ही ये सेल शब्द बिक्री या जो सेल्स का शब्द बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स बनती हैं राइट right? फिर हम उन पिक्चर्स को कुछ मीनिंग से देने शुरू करते हैं फिर वो डर बनता है या फेथ बनता है ये उस पिक्चर्स और मीनिंग्स इन दोनों के एक समीकरण है इन दोनों के इक्वेशन के हिसाब से तय होता है आम आदमी जब वो सेल्स सुनता है उसकी पहली पिक्चर ये आती है जैसे शायद आप रेड लाइट पे खड़े हैं और कोई आपकी गाड़ी का शीशा पीट पीट के बोल रहा है ये गुब्बारे ले लो ये सामान ले लो या वो डोर टू डोर सेल्स जो यू you नो know, नैगिंग है जो बेशरम कह सकते हैं आप या आप पॉलिश शब्दों में बोलें तो यू you नो know, बस यूं ही बिना सामने वाले को समझे पुश किए जा रहा है लगातार पुश किए चला जा रहा बिना है को बिना को तो सर, बिना नीड को को समझे समझे पुश जा रहा है तो जैसे ही हम सेल्स बोलते हैं ना एज ए करियर एज ए प्रोफेशन तो सामने वाले के दिमाग में जो पिक्चर्स आती हैं वो पिक्चर्स ऐसी आती हैं जिनसे वो डरने लग जाता है अगर हम इन पिक्चर्स को बदल पाए तो ये डर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा तो ये सिर्फ रोंग ओपिनियन और सुनी सुनाई बात और मैं जब जब टोनी रॉबिन्स के इवेंट में ट्रेनिंग्स के लिए गया हूँ अमेरिका तो वो हमेशा क्या बोलता है कि यू गो इन योर माइंड यू आर डेड तो जैसे ही आप अपने दिमाग में जाते हैं और सोचने से इधर उधर शुरू करते हैं ना तो कई बार आपका दिमाग ही आपको गलत दिशाओं में ले जाता है तो वो बोलते हैं इसका सोल्यूशन क्या है क्वेश्चन एवरी थाट तो जब जब कोई विचार आपके मन में आए तो जरा उससे सवाल करिए तो क्या सच में जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है राइट right? क्या सेल्स मतलब सिर्फ यही होता है राइट हर इंसान सेल कर महात्मा गांधी जी ने सेल किया और पूरी दुनिया के स्वतंत्रता सेनानियों को मतलब देश के इतने सारे लोगों को अचानक से स्वतंत्रता सेनानी बना दिया वो सेल्स नहीं तो और क्या थी कि कोई आदमी गोली खाने को तैयार है डंडे खाने को तैयार है बिना किसी बात के अदरवाइज वो छः महीने साल पहले तक अपना काम ठीक ठाक से कर रहा था और जो अत्याचार हो रहे थे उन्हें भी सहे जा रहा था बट किसी ने उन्हें एक वो आइडिया बेचा आइडिया ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ फ्रीडम हमने जैसे पहले भी बात करी थी काफ़ी सारे, सारे रिजेक्शन्स आते हाँ। हैं बहुत सारे रिजेक्शन्स वगैरह आते हैं सो so, ऐसी स्थितियों में अपनी इनर वेलनेस को कैसे मैनेज किया जाए हाउ द पर्सन कैन मैनेज द स्ट्रेस दैट कम्स विद बिंग रिजेक्टेड उसको कैसे हैंडल आप कैसे करते थे या फिर आप कैसे लोगों को गाइड करते हैं कि वो हैंडल कर सकें दो तीन चीज़ें मुझे लगता है देखिए पहली बात तो ना हर एक काम के अपने कुछ फीचर्स होते हैं हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ फीचर्स होते हैं पैकेज होता है वो एक फौजी अगर आपको बनना है तो आपको जंग लड़नी पड़ेगी आ, मरना और मारना ये आपकी पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन है डेंजरस <laughs> है <laughs> <Dangerous. laughs> तो ये अब क्या कर सकते हैं आप डॉक्टर right. अगर हैं yes. तो आप ये नहीं बोल सकते जी ब्लड देखता हूँ ना तो मुझे अंदर से कुछ होने लगता है और मैं किसी के शरीर को छूँगा नहीं और मैं सर्जरी नहीं करूँगा लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ राइट सो इज पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन तो रिजेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम रिजेक्शन पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेल्स पर्सन ब्यूटिफुलजरस्टैंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ में काम करते हैं तो उस, उस चक्कर में हम अधिकांश स्ट्रेस को अपने लिए जबरदस्ती पैदा कर लेते हैं जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ आ, ये बिजली का स्विच है यहाँ जहाँ जिससे लाइट जल रही है सब हो रहा है अब आप उसकी अगर वहाँ जाकर उस स्विच में जो तार है नंगी तार को अगर आप छुएंगे तो आपको करंट लगेगा जी लगेगा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बिजली का फीचर है और अगर आपने किसी से ही कहा कि जी मैं ना मैंने उस आ, नंगी तार को स्विच ऑन करके छू लिया और अब मुझे करंट लग गया तो वो बिजली को या किसी चीज को दोष नहीं देगा वो आपको दोष देगा कि यार जब तेरे को पता है कि बिजली का ये फीचर है कि ये आपको झटका देगी करंट लगेगा तो तू तो छूने क्यों गया था <laughs> तो लोग मना करते हैं ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है इसमें तो और तू तो उम्मीद क्या करके गया था मतलब जो आदमी मुझे बोलता है कि जब मैं ना जी किसी को बोलता हूं तो वो मुझे रिजेक्शन कर देता है तो मैं उस मेरा सवाल ये है उससे कि जब तुम शर्ट खरीदने जाते हो तो एक शर्ट की जगह तुम चालीस क्यों देखते हो और उनतालीस को रिजेक्ट क्यों करके आते हो राइट right. जब तुम कस्टमर होते हो फिर तुम्हें रिजेक्शन ओके है जब जब तुम दूसरी तरफ आ जाते हो फिर तुम बोलते हो सामने वाला रिजेक्ट क्यों करता है यू नो सो इट्स लाइक डबल स्टैंडर्ड से हैं बिना बात के मतलब वी आर नॉट क्वेश्चनिंग आवर थॉट्स एंड दिस वी आर जस्ट लिविंग विद दिस अनसेसरी फियर सो एस नो दिस माय मेन पॉइंट इज आई मीन दिस पार्ट ऑफ सेल्स यार आई मीन लोग मना करते हैं आप और मैं भी मना करते हैं राइट सो इस इस पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन प्लीज अंडरस्टैंड दिस मतलब आग का फीचर है जलाना यू हैंडल यू फाइंड बेटर वेज टू हैंडल इट सो so ट्रू लोगों का फीचर है लोग मना करेंगे दस में से तीन ने हाँ कर दिया तो सात मना करेंगे ये हमारी जॉब का फीचर है और लोगों का फीचर है ये स्वभाव है चलते चले जाओ तुम अपना काउंटिंग बढ़ाते जाओ नंबर्स पे काम करो अल्टीमेटली काम बन जाएगा तो ये मतलब मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिस दिन से हुई उस दिन से मुझे हाँ ना ने अफेक्ट करना बंद कर दिया मेरे लिए वर्कआउट मुझे बहुत मदद करता है जैसे रह फिट रहना अच्छा खाना Uh, हफ्ते में कम से कम चार दिन पाँच दिन जरूर कम या ज़्यादा करके या चार दिन तो अच्छे वाला वर्कआउट और बाकी एक दो दिन थोड़ा कम वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी सो गुड फूड गुड फिज़िकल एक्टिविटी एंड थर्ड इज़ माई मेडिटेशन साइलेंस यू नो सम सॉर्ट ऑफ ए सम्परिचुअल प्रैक्टिस सो दीज थ्री थिंग्स हेल्प मी वैन आई एम क्लियर कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम सही है और इस काम में ये पंद्रह तरह के चैलेंज आएंगे ये पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन है ये हमने मान लिया फिर हम तीन चीजें ये वाली पकड़ के रखते हैं कि जिंदगी में बाकी सब ऊपर नीचे हो जाए हम किसी Lovely, क्वार्टर में पैसे कम, किसी क्वार्टर में पैसे ज्यादा लेकिन माइंड सेट लेवल पर क्लैरिटी रखें टेक्निकली कॉल इट इनफोर्म ऑप्टिमिज्म क्या होता है थोड़ा एग्जैक्टलीफॉर्म ऑप्टिमिज्म एक तो है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म बिना बात के आप पॉजिटिव हैं पता ही नहीं है क्या डिफिकल्टी आनी है तो शुरुआत में कई बार लोगों को क्या होता है अनइनफॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म होता है कि मैं तो उड़ा दूंगा ये मोटिवेशन ये, 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 है लेकिन इनफॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म है कि व्हेन यू आर अवेयर विल बी अप्स एंड डाउन पीक्स वैलीज देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट So you are positive with awareness, with information that I have to face difficulties as well. Very nice. So huh? beautifully informed. Optimism, ah, informed optimism. Informed optimism. Very nice. Informed optimism. One more thing, your relationships and your close own people also are your, you know, they become like your cushions. Support uh, system, support Pura. system. Like my wife is like uh, my backbone, my everything. देन माय यंगर ब्रदर लाइक वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली तो मेरे मम्मी हैं साथ में राइट एक पॉइंट आ जाए जब आपको लगता है सब बहुत हो गया इससे ज़्यादा लिया नहीं जा रहा देन आई गो टू माई मॉम्स रूम वी स्टे टुगेदर तो उनके पास चले गए आधा घंटा बोल दिया बस वैसे ही जी अपने बस का नहीं है फिर वो बोल देते चल ठीक है ना छोड़ दे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा देन माई यंगर ब्रदर इज देर ही इज़ अ बिग सपोर्ट सिस्टम एंड देन माई वाइफ इज अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम आई हैव थ्री चिल्ड्रेन मीन सो यू नो एंड सम गुड फ्रेंड्स लाइक थ्री फोर गुड पीपल हु लाइक स्टैंड बाई यू रात को दो बजे तीन बजे पाँच बजे और आप कुछ भी पटाखा फोड़ के आ जाओ भैया यहाँ पचास लाख रुपये लगाए थे ये गड़बड़ हो गई या यहाँ दो करोड़ डाले थे ये सोच के कि अच्छा हो जाएगा एंड दे यू कम बैक टू देम एंड दे हाँ बस बोलते हैं कोई बात नहीं यार देख लेंगे यार राइट right? सो so, अगर हम कुछ और डेवलप कर पाए ना तो जैसे मकान गाड़ियाँ इकट्ठे करने के साथ साथ ऐसे कुछ लोग अगर हम जीवन में इकट्ठे कर पाएँ तो वो भी भी एक सपोर्ट सिस्टम बहुत है। बड़े बड़े एसेट्स हैं और uh, मेरे समझ के हिसाब से जितने कंपनी ओनर्स, uh, दो हजार करोड़ पांच हजार करोड़ की फर्म्स के लोगों को मैंने देखा हैज इमोशनल सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो सो फार बिना किसी फियर ऑफ जजमेंट के साथ जाके वेबल हो सके अपनी मीन सो so, आपने बताया दीपक जी कि वाइफ का बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का सो so, आपका इतना टाइट स्केड्यूल रहता है ट्रेवलिंग भी रहती है तो ऐसे में जो वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है रिश्तों का और काम का जो बैलेंस है वो आप कैसे क्रिएट करते हैं दिस इज़ ऑल्सो डिसीजन कि जो चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है uh, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो मेरे लिए मेरे रिश्ते ज़रूरी हैं तो अगर मेरे बच्चे का जन्मदिन है या मेरी वाइफ के साथ कोई इवेंट है और उस दिन कहीं और एंगेजमेंट uh, आ गई तो पता है कि पैसे हम छोड़ रहे हैं राइट उसके इतने लाख रुपए मिल सकते थे लेकिन uh, उस एक लाख रुपए की जगह आपको उस दिन कुछ और चुनना है तो यू नो क्लैरिटी अबाउट योर प्रायोरिटीज इन लाइफ इज़ नंबर वन एट मेंटल लेवल यू शुड बी वेरी क्लियर राइट एंड नंबर टू इज़ आप के लिए जो चीज जरूरी है वो आपके कैलेंडर में आ जानी चाहिए और आपके सिस्टम का हिस्सा बन जानी चाहिए ओके okay. जैसे मेरे लिए मेरी वाइफ के साथ में बात करना जरूरी है राइट वी नीड टू टॉक एंड बोथ ऑफ ऑफस नॉट किड्स एंड नॉट एनी सो वी गो फॉर अ थर्टी मिनट वॉक एवरी रात को हम खाना खाने के बाद आठ बजे के आसपास हम दोनों अपने अपने फोन घर रख जाते हैं और हम दोनों हमारे डॉग को लेके वी थ्री ऑफ अस मी माय वाइफ एंड माय डॉग वी वॉक

देन आवर एवरी थ्री मंथ्स वी टेक अ हॉलीडे स्मॉल हॉलीडे फिर एवरी ईयर वी टेक वन बिग लॉन्ग हॉलीडेड मतलब कितना जैसे अभी हम टर्की जाए तो ग्यारह दिन के लिए मी एंड माई वाइफर एंड वी आर ब्लेसड फैमिली सो बच्चे like so, uh, uh, <laughs> कितना भी काम रहेगा वो काम कम जैसे uh, काम करने वाले को काम की कमी नहीं होती है और मैं मेरी रगों में मेहनत करना है और मुझे लगता है मेहनत करनी चाहिए राइट आई अगर वैसे देखें कि लोग अगर बोलते हैं कि मैंने पैसे के लिए काम किया या वैसा अगर उस एंगल से मैं बोलूं तो 10-15 साल पहले से हमारा हिसाब किताब अच्छा है आई मीन फिनेंशली वी आर टच वुड वी आर वेल ऑफ दैट वे हम दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे थे राइट तो ऐसा नहीं कि काम सिर्फ पैसे के लिए करना है काम की अपनी सिग्निफिकेंस है काम हमें हमारे अपने अंदर के भीतर क्या क्या टैलेंट है वो पहचानने में मदद करता है हमारे टैलेंट से हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं लेकिन बैलेंस uh, बनाना और वो लकीर खींचना ये हमारे हाथ में है सो इवन एट दिस लेवल जब आप एक सक्सेस के बहुत पिनेकल पे हैं यहाँ पे अगर आप जब सेटबैक्स आते हैं या कोई चैलेंजेस आते हैं

यू ना आई आई गेट न डिफ्रेंट करना स्माइल कि चल अब अपना काम आया है मतलब अगर 500 सौ हो ही जाती तो फिर जैसे जीने की हमारे जीने की और हमारे इस ऑफिस में आने का वजह क्या है यार मतलब और जब मैं सेल्स में फील्ड में जाके काम किया करता था तो तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मेरी प्रेजेंटेशन दी सामने वाले ने पैसे दे दिए तो फिर फिर मैंने क्या किया जैसे जैसे वो सवाल पूछता था और जैसे वो बोलता था तुम्हारा ये खराब वो खराब तब मुझे ऐसा लगता था अब अपना काम आया ऐसे अब अपना रोल आया है जैसे हीरो की एंट्री हुई है वैसा समझ लीजिए आप <laughs> तो जब तक विलेन नहीं होगा तो हीरो की एंट्री कैसे होगी तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो मतलब पहला रिस्पॉन्स ये होता है चलो आओ देखते हैं यार क्या आया मतलब अब हमारा जैसे अब ग्रोथ का मौका आया है काम करने का मौका आया है कुछ सीखने का मौका आया है तो देन वी गो हैंडल अंदर जाते हैं सवाल पूछते हैं अब मुझे ऐसा लगता था कि जिज्ञासा जो है ना क्यूरियोसिटी और बच्चे बन के सवाल पूछना कि ये यहाँ क्या हो सकता था यहाँ ऐसे क्यों हुआ यहाँ कैसे हुआ यहाँ कैसे हुआ तो ये इसे आप सवाल पूछते चले जाइए जवाब मिलते चले जाएंगे और फिर हम दोबारा कर लेंगे और शुरू से शुरू कर लेंगे क्या बात है तो मतलब मैं एक चीज़ कई बार अपने सेमिनार्स में भी कहता हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक गूगल सर्च इंजन की तरह है एग्जैक्टली okay. exactly. तो जैसे हम सर्च इंजन में कोई सवाल डालते हैं तो गूगल का एल्गोरिदम इतने सारे डेटा में से कुछ रेलिवेंट डेटा फ्रंट पेज पे भेजता पे है कॉन्शियस सरफेस पे भेजता है बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जो हमने हाँ। डाला है तो इसीलिए हमारे ब्रेन में भी हम क्या सवाल पूछ रहे हैं इतना सालों का अनुभव पड़ा है तीन सौ पैंसठ दिन पचास साल का इतने सालों का एक्सपीरियंस हर एक दिन की बातें किताबें जीवन के अनुभव इतना बड़ा डेटा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है जो सवाल डालते हैं हम वो एल्गोरिदम को ट्रिगर करते हैं देन सरफेस पे उससे रिलेटेड चीज़ें ऊपर आती हैं तो कितना ब्यूटीफुली आपने बार बार इस पे जोर दिया है कि क्वेश्चन करना कितना इम्पोर्टेंट है और कई लोग पैनिक कर जाते हैं ये सोच के कि अब क्या होगा मैं तो गया काम से राइट right. इसके बजाय कि ओके नाउ माय रोल हैज़ कम इन मतलब कि एक क्यूरियोसिटी का फैक्टर है राइट right सवाल का फैक्टर है कि मतलब एक गलत सवाल आपको एक अंधेरे कमरे में ले जा सकता है जहाँ पर सफोकेशन है डार्कनेस और एक सही सवाल कहीं ना कहीं आपको रोशनी में ले जा सकता है सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दीपक जी एक और चीज मैं यहाँ पे पूछूंगा कि क्या आप ये मानते हैं कि लाइफ एज अ पर्पस कि जीवन का कोई पर्पस है या फिर सिर्फ हम ही हैं जो हम अपना अपना पर्पस ले लेते हैं सिंस आई बिलीव इन क्रिएटर और मुझे ऐसा लगता है कोई एक शक्ति है जो सब कुछ चला रही है जैसे मैं कहाँ पैदा होऊंगा कौन मेरे मम्मी पापा होंगे ये मैंने तो नहीं डिसाइड किया था तो मैं किसी की पजल में और किसी की इक्वेशन में फिट बैठता हूँ और उस लाइफ अगर आप उसे बोलते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस होता है तो तो ये जो ओवरऑल कायनात है इसमें मेरा जो रोल है मुझे किस शहर में कब होना था क्या क्या काम करने थे कहीं ना कहीं उस कायनात ने मेरे माध्यम से कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करवाना होगा ऐसा मुझे लगता है ये ज़रूर है राइट भगत भगत सिंह का अपना एक इस कुदरत में इस दुनिया में आने का तेईस साल की उम्र में चले जाने का एक कोई तो वजह होगी कि तेईस साल में लोग होश नहीं संभालते हैं यू नो मम्मी बच्चा बच्चा करती रहती है वो मम्मी मम्मी करता रहता है और तेईस साल में वो लड़का वो काम कर गया जो लोग नब्बे साल की उम्र में नहीं कर पाते हैं राइट सो so, वो एक चीज़ ऊपर से कोई एक शक्ति है जो इन सारी चीज़ों को हारमोनी में रखती है और इन सब चीज़ों को जोड़े रखती है एक दूसरे से तो उसका कोई पर्पस होगा ऐसा मेरा गेस है राइट <laughs> और हमारा पर्पस अब जब हम काम करने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं तो मुझे लगता है हमारा पर्पस हमें और क्लियर होने लगता है धीरे धीरे कि, कि किस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और किस चीज़ के परिणाम और अच्छे आ रहे हैं और कहाँ पे हम इस इक्वेशन को मिला सकते हैं राइट सो so, अब पहले मैं जब जॉब करता था तो ऐस तो एक ही पर्पस होता था ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची जाएँ <laughs> फिर <फे> नेटवर्क मार्केटिंग <laughs> में आ गए तो एक ही पर्पज़ होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की जाए फिर कंटेंट बनाने लगे अब ट्रेनिंग्स करने लगे और उन ट्रेनिंग से लोगों को लाभ होने लगा तो ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना किया जाए लेकिन एक चीज़ मुझे पक्का पता देखिए आप चाहे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे और ये आवाज़ मेरी है लेकिन इस आवाज़ को लोग सुनते हैं मानते हैं इसको एक गाइडिंग लाइट मानते हैं और इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को इस यहाँ से कुछ निकालते हैं ये मेरी ताकत नहीं है ये उस यूनिवर्स की ताकत है और मुझे ऐसा लगता है देखो कि ये जो ज़िंदगी है ना ये भगवान का गिफ्ट है हमें और हम इस ज़िंदगी के साथ करते क्या हैं ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस क्या बात है तो एक पर्पज़ उसने मेरे लिए चुना और उसने मुझे यहाँ डाल दिया इस इस जगह पे फिट कर दिया और फिर ये आवाज़ जो मेरी आज लोग सुन रहे हैं कभी ऐसा होगा जब ये आवाज़ ले ली जाएगी मुझसे और जब तक ये आवाज़ मेरे पास है जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ तो ऐसे उठता हूँ कि भाई कमाल हो गया बेटे आज फिर जिंदा हैं और आज का दिन एक और मिल गया सोने से पहले अपने बस में जो है कसम से वो करके सोएंगे दस घंटे बारह घंटे कि जोर लगा देंगे यार आज पूरा हमारे बस में जो क्षमता है वो कर देंगे तो जब आप वो करते हैं तो यू नो डूइंग योर बेस्ट एंड लिविंग इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स एंड कॉन्शियसनेस दैट इज दर्पज ऑफ लाइफ लवली हैवली दीपक जी सो नाउ वी विल ट्रांजिशन टू द रेपिड फायर ओके अभी <laughs> तक अपन ने डिटेल में बात करी तो आगे वी हैव फायर राउंड सो नंबर इज द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग बुक यू हैव एवर रेड सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा हाँ ब्यूटिफुल अगर आप हिस्ट्री के किसी फिगर के साथ में डिबेट करना चाहते हैं तो कौन होगा वो हिटलर <laughs> लोग सिर्फ बॉन लीडर होते हैं या बनाए जा सकते हैं बनते ही हैं बोन होते ही नहीं वट विल बी द बिगेस्ट सोसाइटल चेंज इन द नेक्स्ट डेकेट पीपल विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एजुकेशन एंड नॉट जस्ट डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज Lovely. Yani life education be your focus yeah, yeah. Self education, yeah. My education, my responsibility. That shift. Lovely. I think will come. Is there a limit to what humans can achieve from your perspective? <laughs> no limit. Right. Who has been your greatest influence? My mother. What's one unsolved mystery you would like to solve? What happens after death? <laughs> Beautiful. Uh, does life have a purpose or is it random? कॉम्बिनेशन फ्यू थिंग्स वेन ईयर ओल्ड सेल्फ कोई तो मैं कुछ भी बोलता रहे मानने की जरूरत नहीं है टेस्टेड फॉर योर सेल्फ एंड देन बिलीव इफ यू इंट्रोड्यूस अ ग्लोबल लो वट वुड इट बी एनीबडी जजिंग अदर पर्सन शुड बी पनिश्ड लवली ऐसा कौन सा आपका हिडन टैलेंट है जो आपको लगता है कि ज्यादा यूज नहीं किया आपने सिंगिंग लवली तो घर में तो गाते होंगे आप हाँ मैं सारा दिन गाता रहता हूँ घर में बस में ट्रेन में फ्लाइट में वन थिंग यू वुड चेंज अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड ब्रिंग मोर एम्पथी काइंडनेस लोगों की सोच पैसे के अलावा बाकी चीजों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए अर्ली बर्ड और नाइट ऑल अर्ली बर्ड Digital notes or handwritten notes? Uh, handwritten notes for me. Working alone or teamwork? A situation when I write a book alone, <laughs> everything else team. Lovely. Uh, one million followers on Instagram or one million dollars? One million followers on Instagram. Oh. <laughs> uh, reality TV shows or YouTube tutorials? YouTube tutorials. बिग पार्टीज और स्मॉल गैदरिंग्स स्मॉलर फिजिकल बुक्स और इन फिजिकल बुक्स ट्रेडिशनल ऑफिस और रिमोट वर्क ट्रेडिशनल ऑफिस लवली सो इट अमेजिंग दीपक जी और लास्ट अगर कोई तीन एडवाइस हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें जिससे कि वो सफलता पा सकें कंसिस्टेंट रह सके एनी थ्री मेजर एडवाइस देक टू गिव अवर ऑडियंस नंबर वन वु बी बिलीव इन योर सेल्फ बड़े हैपेंस यू नो जितना जल्दी तुम दूसरों को माफ़ कर देते हो उतना जल्दी खुद को भी माफ़ कर दो जितना जल्दी दूसरों की गलतियां इग्नोर कर देते हो उतना खुद की भी करो तो बिलीव इन योरसेल्फ राइट सर इस नंबर वन नंबर टू जो भी काम मिले उसमें एक्स्ट्रा ज़रूर करो राइट right. जो तुमसे उम्मीद की जाए उतना करो और उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइट एंड थर्ड इज Uh, money is part of life not the whole life life is much bigger than just money so live a holistic life and live the design and live rest of your life based on that definition of success which matters to you uh, not to anybody else or not as per money or anything Right. Lovely, Deepak Ji. Thank you so much for coming. It was really insightful and enlightening. My pleasure. Too many deep insights explained in such simple words. So thank you so much for coming once again. My pleasure. Wish you all the very best and major success for your Doctor YSR podcast. Thank Great. you. Yeah. Thank you.